इट्स टाइम फॉर स्पेशल असेंबली। गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज नीलम भारद्वाज, क्लास टीचर ऑफ नर्सरी डॉल्फिन, एंड टुडे आई एम गोइंग टू टेक योर स्पेशल असेंबली ऑन द टॉपिक नेशनल फेस्टिवल्स एंड रिलीजियस फेस्टिवल्स। ओके डियर स्टूडेंट्स, वी लिव इन इंडिया। हम कौन सी कंट्री में रहते हैं? इंडिया। एंड इंडिया हैज थ्री नेशनल फेस्टिवल्स। इंडिया में तीन नेशनल फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं, रिपब्लिक डे, इंडिपेंडेंस डे एंड गांधी जयंती। व्हाट आर नेशनल फेस्टिवल्स? नेशनल फेस्टिवल्स क्या हैं? नेशनल फेस्टिवल्स फेस्टिवल्स दैट आर सेलिब्रेटेड बाय द होल नेशन। नेशनल नेशन जो कि पूरी कंट्री मनाती है। एंड वी हैव थ्री नेशनल फेस्टिवल्स ना। फर्स्ट रिपब्लिक डे। We celebrate Republic Day every year on 26 January. On this day, the Constitution of India was drafted. India का जो Constitution है, संविधान है, वो बनाया गया था, वो बना था. और Constitution of India में क्या है? Rights of Indians, हमारे अधिकार क्या हैं? Laws of India, इंडिया के laws क्या हैं? क्या कानून हैं? उसमें ये सब कुछ दिया हुआ है कि हमारे अधिकार क्या हैं, हमारी कंट्री में क्या क्या कानून है, लॉज हैं। सो एवरी ईयर ऑन 26 जनवरी वी सेलिब्रेट रिपब्लिक डे। नाउ इंडिपेंडेंस डे। इंडिपेंडेंस डे, इंडिपेंडेंस डे इज सिंबल ऑफ फ्रीडम, फ्रीडम ऑफ आवर कंट्री इंडिया। ऑन 15th August 1947 इंडिया गॉट फ्रीडम फ्रॉम द ब्रिटिश रूल, फ्रॉम द फॉरन रूल। इंडिया में ब्रिटिशर्स थे, उनसे हमें आज़ादी मिली थी। और हमें ये फ्रीडम किसने दिलाई थी? मैनी पीपल सेक्रीफाइस, मैनी लीडर्स सेक्रीफाइस देयर लाइव्स फॉर द फ्रीडम ऑफ इंडिया। एंड एवरी ईयर ऑन 15th August वी सेलिब्रेट इंडिपेंडेंस डे, हमारी आज़ादी का दिन। नाउ गांधी जयंती। अभी आपको याद है, डू यू रिमेम्बर, लास्ट वीक आपने गांधी जयंती हमने सेलिब्रेट किया था ना। कई बच्चे महात्मा गांधी बने थे, बापूजी बने थे ना। 2nd October इज सेलिब्रेटेड एज गांधी जयंती, बर्थडे ऑफ महात्मा गांधी, फादर ऑफ नेशन, जिन्हें हम प्यार से क्या कहते हैं? बापूजी। और बापूजी क्या बिलीव करते थे? दे बिलीव इन नॉन वायलेंस एंड पीस। महात्मा गांधी जी कहते थे शांति से सारे काम करो, लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। अगर सारे काम शांति से हो जाते हैं, अहिंसा से, यानी कि बिना लड़े झगड़े हो जाते हैं, तो फिर किस बात का झगड़ा है ना। एंड गांधी जी का सबसे बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है इन द फ्रीडम ऑफ इंडिया। तो इसीलिए हम इनका बर्थडे हर साल 2nd October को मनाते हैं एज गांधी जयंती। एंड यू नो नेशनल फेस्टिवल्स आर द प्राइड ऑफ एवरी कंट्री। वी शुड रिस्पेक्ट आवर नेशनल फेस्टिवल्स। और नेशनल फेस्टिवल्स हमें किस चीज़ की याद दिलाते हैं? द सेक्रीफाइस ऑफ पीपल, द सेक्रीफाइस ऑफ मैनी ग्रेट लीडर्स, है ना। और इस दिन क्या होता है, जब नेशनल फेस्टिवल्स होते हैं, स्कूल्स में फ्लैग होस्टिंग होता है, बच्चों को स्वीट्स बांटी जाती हैं, मिठाइयाँ बांटी जाती हैं। फ्लैग होस्टिंग होता है, उसके बाद सारे जन गण मन, नेशनल एंथम गाया जाता है। हमारा नेशनल एंथम क्या है? जन गण मन, उसको गाया जाता है। अभी हमने क्या सीखा है नेशनल फेस्टिवल से? वी शुड रिस्पेक्ट आवर कंट्री, वी शुड रिस्पेक्ट आवर नेशनल फेस्टिवल्स, एंड वी शुड रिस्पेक्ट आवर नेशनल फ्लैग एंड नेशनल सिंबल्स, एंड वी शुड प्राउड ऑफ आवर कंट्री। हमें अपने देश पर गर्व होना चाहिए। आई एम वेरी हैप्पी दैट आई एम एन इंडियन। मुझे बहुत खुशी होती है ये कहते हुए कि आई एम एन इंडियन। वी शुड फील प्राइड दैट वी आर इंडियंस, है ना। सो से विद मी, आई प्राउड टू बी एन इंडियन। जय हिंद। तीन रंग का अपना झंडा, इसे तिरंगा कहते हैं। हम भारत के बच्चे मिलकर ये झंडा लहराते हैं। मन में है हम खुशी मनाते, इसका गाना गाते हैं। इस झंडे पर है बलिहारी, इसको शीश झुकाते हैं। केसरी रंग है त्याग का मुहूर्त, सफेद रंग है सच।
अच्छाई ही का, हरा रंग है खुशियाली का, खेत जैसे हरियाली। इस झंडे को नमन करे हम, इस पे जान छिड़कते हैं, सूरवीर सब माँ के बच्चे इस पे दिए बलिदान है। उन शहीदों को नमन करे हम, उनसे शिक्षा लेते हैं, आओ मिलके इस झंडे को प्यार से हम लहराते हैं, प्यार से हम लहराते हैं।